आप देख रहे हैं तेज दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ नजमुद्दीन शेख। सेंधवा में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंककर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष राम सोनोने ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कोरोना महामारी को लेकर भारत की छवि खराब करने एवं भय का माहौल बनाकर देश की जनता एवं किसानों को भ्रमित कर देश में शांति भंग करवाकर देश में अराजकता फैलाए जाने के उद्देश्य से भड़काऊ बयान का वीडियो जारी किया गया, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा ने सेंधवा में राम चौक पर कमलनाथ का पुतला फूंका एवं उसके बाद कार्यकर्ता शहर थाने पहुंचकर एसडीओपी एमएस बारिया तथा टीआई बलदेव सिंह मुजालदा को एक आवेदन सौंपकर कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। इस अवसर पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम सोनू ने नगर पालिका उपाध्यक्ष छोटू चौधरी, मोहन जोशी, मंडल अध्यक्ष राहुल पवार, रामेश्वर पालीवाल, गणेश राठौड़, विवेक तिवारी, रोहित गर्ग, यश सोनी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर चाटली मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवा, अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष कलीम मंसूरी द्वारा भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सेंधवा ग्रामीण थाने जाकर एक आवेदन सौंपकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। क्या नाम है आपका? राम सोनाने, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। आज पुतला दहन किया गया कमलनाथ का, क्या मामला हुआ? इस प्रकार से कमलनाथ जी एक संवैधानिक पद पर होने के बाद एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से अराजक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो वायरस चाइनीज है उसको इंडियन कोरोना के नाम से वो बता रहे हैं, एक वीडियो उन्होंने वायरल किया है और साथ ही किसानों को लेकर के उन्होंने कहा है कि अभी तो आग लगा दो, ये इस प्रकार की जो बात वो कर रहे हैं बहुत निंदनीय है और इसको लेकर के आज पूरे मध्य प्रदेश सहित आज बड़वानी जिले के चारों विधानसभाओं में युवा मोर्चा द्वारा कमलनाथ जी का पुतला दहन किया गया और एफआईआर की भी मांग की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, अभी पूरे चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया है कि हर जगह जा करके हर मंडल स्तर पर हम कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। सेंधवा में भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे? जी अभी सेंधवा में हम थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। आपका? सुरेंद्र कुशवाहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष चाटली। आज ग्रामीण थाने पे ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा जो चीन के द्वारा जो वायरस फैलाया जा रहा है कोरोना, उसको इंडियन कोरोना बता दिया है उन्होंने, जबकि ये अन्य देशों से आया हुआ वायरस है। उसके बाद में सरकार के ऊपर आरोप लगाया उन्होंने कि सरकार मृत्यु दर के आंकड़े छिपा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारी जो मृत्यु दर हुई उसका पूरा खुलासा भी करा है और जिन को मृत्यु हुई है उनको सरकार वो अपना क्या सहायता राशि भी प्रदान करने वाली है। और पूर्व कमलनाथ जी अपनी उम्र के हिसाब से बुखला गए हैं और वो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं अब सरकार के ऊपर।